नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नीरज और मैं आप सबका एक बार फिर से स्वागत करता हूं हमारे YouTube चैनल टूर कैंप पे। और आज हम बात करेंगे पटना के सबसे प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र गया और बोध गया के बारे में। तो चलिए जानते हैं गया में घूमने लायक 10 सबसे खूबसूरत जगहों के बारे में। तो चलिए शुरुआत करते हैं नंबर 10 से। नंबर 10 पर है मुछालिंदा सरोवर। यह खूबसूरत सरोवर बोध गया के मुछारिम विस्तार में स्थित है, जो काफी पौराणिक और आध्यात्मिक महत्व रखता है। बोध गया मध्य से तकरीबन 12 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह खूबसूरत सरोवर गया आने वाले पर्यटकों के बीच में काफी लोकप्रिय है। यहाँ पर सरोवर के बीचों बीच भगवान बुद्ध की प्रतिमा मौजूद है और ऐसा कहा जाता है कि यहाँ पर ही नाग देवता मुछालिंदा ने भगवान बुद्ध की तूफान में रक्षा की थी। नंबर 9 पर है रॉयल भूटान मॉनेस्ट्री। यह गया में मौजूद एक प्रसिद्ध बौद्ध मठ है जो भगवान बुद्ध को समर्पित है। इस बौद्ध मठ का निर्माण भूटान के राजा ने करवाया था और इसीलिए इसे भूटान मॉनेस्ट्री के नाम से जाना जाता है। यहाँ की दीवारों पर की गई नक्काशी और यहाँ पर रखी गई कलाकृतियाँ देखने लायक है। पर्यटक इस बौद्ध मठ के पास में ही बने जापानी मंदिरों को भी देख सकते हैं। नंबर 8 पर है टुंगेश्वरी गुफा मंदिर। यह गया में मौजूद खूबसूरत और पौराणिक गुफा मंदिर है, जो महाकाल गुफा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। गया मध्य से तकरीबन 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित यह 3 गुफाओं का एक समूह है, जो हिंदू और बौद्ध तीर्थ स्थान है। और ऐसा माना जाता है कि यह वही स्थान है जहाँ पर बौद्ध गया में ज्ञान प्राप्ति से पूर्व भगवान ने तपस्या की थी। यहाँ के पवित्र और आत्मीय माहौल के चलते यहाँ पर काफी पर्यटक आते हैं। नंबर 7 पर है जामा मस्जिद। तकरीबन 200 साल पुरानी यह खूबसूरत मस्जिद गया शहर के मुरारपुर विस्तार में स्थित है, जो बिहार की सबसे बड़ी मस्जिदों में से एक गिनी जाती है। यहाँ पर शबीना और तबलीग पर्व काफी धूमधाम से मनाए जाते हैं। इस मस्जिद का शाही द्वार यहाँ पर आने वाले पर्यटकों के लिए सबसे मुख्य आकर्षण है। नंबर 6 पर है वट थाई मॉनेस्ट्री। बौद्ध गया में बनी यह खूबसूरत मॉनेस्ट्री थाई वास्तुकला में बनी हुई है, जो अपने तरह की इकलौती मॉनेस्ट्री है। यहाँ पर बनी भगवान बुद्ध की खूबसूरत प्रतिमा देखने लायक है और इसीलिए इस मॉनेस्ट्री को विजिट करने हर साल हजारों पर्यटक आते हैं। नंबर 5 पर है आर्कियोलॉजिकल म्यूजियम। यह खूबसूरत म्यूजियम प्रसिद्ध महाबोधि मंदिर के पास में स्थित है, जहाँ पर पर्यटक पौराणिक मूर्तियाँ, पेंटिंग्स और कलाकृतियाँ देख सकते हैं। यहाँ पर मौर्य और गुप्तकाल के विभिन्न सिक्कों और स्मारकों को देखा जा सकता है, लेकिन अभय मुद्रा में स्थित भगवान बुद्ध की विशाल प्रतिमा और भगवान विष्णु का वराह अवतार यहाँ का सबसे मुख्य आकर्षण है। यह म्यूजियम सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक खुला रहता है, साथ ही साथ हर शुक्रवार को यहाँ पर छुट्टी रहती है। नंबर 4 पर है विष्णु पद मंदिर। गया में मौजूद यह पौराणिक और काफी प्रसिद्ध मंदिर हिंदू भगवान विष्णु को समर्पित है, जहाँ पर भगवान विष्णु के विशाल पद चिन्हों को देखा जा सकता है। मुख्य मंदिर के अलावा यहाँ के परिसर में अन्य कई छोटे मंदिर भी मौजूद है। अपनी पवित्रता और आध्यात्मिकता के चलते यह मंदिर हिंदू धर्म के लोगों का काफी प्रसिद्ध धार्मिक केंद्र है। नंबर 3 पर है माँ मंगला गौरी मंदिर। यह प्रसिद्ध मंदिर गया के शक्तिपीठम विस्तार में स्थित है, जो हिंदू धर्म के 18 महाशक्तिपीठों में से एक है। यह शक्तिपीठ को असम के कामाख्या शक्तिपीठ के समान माना जाता है। माँ सती के अलावा यहाँ पर भगवान शिव और महिषासुर की प्रतिमा को भी देखा जा सकता है। नंबर 2 पर है ग्रेट बुद्धा स्टैच्यू। यह बौद्ध गया में स्थित काफी प्रसिद्ध बौद्ध तीर्थ केंद्र है, जिसका उद्घाटन 1990 के दशक में बौद्ध गुरु श्री दलाई लामा ने किया था। यहाँ पर भगवान बुद्ध की 80 फीट ऊंची विशाल प्रतिमा को देखा जा सकता है, जो इसे गया का ही नहीं
बल्कि पूरे बिहार का सबसे लोकप्रिय पर्यटन स्थल बना देता है। और नंबर वन पर है महाबोधि मंदिर। यह पूरे गया और बोधगया का सबसे अधिक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जो काफ़ी अधिक धार्मिक महत्व रखता है। यह भगवान बुद्ध के जीवन से जुड़ा काफ़ी अधिक महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि यहाँ पर ही विश्व विख्यात बोधि वृक्ष के नीचे भगवान बुद्ध को महाज्ञान की प्राप्ति हुई थी। बोधगया में मौजूद यह स्थान बौद्ध धर्म के लोगों के लिए काफ़ी अधिक धार्मिक महत्व रखता है।